हेलो फ्रेंड्स, इसके आगे वाले लेक्चर में हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं, उसके बाद हमने देखा था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, बाद में हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है एंड वो कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स नंबर यानी कोई भी नंबर का इनवर्स आपको फाइंड करना है तो वो आप किस प्रकार से फाइंड करते हो उसकी हमने बात की थी। तो अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप वो लेक्चर देख सकते हो। ये वाले लेक्चर में हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड मल्टीप्लाई कैसे करते हैं उसके रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, जिससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। एंड उसके साथ हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है एंड उसका इनवर्स यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स कैसे फाइंड करना है उसकी भी बात करेंगे। तो आप ये लेक्चर पूरा देखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर 5i इंटू -3/5i इन द फॉर्म ऑफ a+ib। यहाँ पर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी 5i एंड दूसरा है -3/5 i, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो होगा उसको आपको a+ib के फॉर्म में लिखना है। तो मल्टीप्लीकेशन के बाद जो भी नंबर आएगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा एंड कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम a+ib के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि 5i इंटू -3/5 i, यानी ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 5 है एंड यहाँ पे -3/5 है, उसको एक साथ लिखे तो हमें मिलेगा -5 इंटू 3/5। एंड यहाँ पे i है एंड यहाँ पर भी i है तो टोटल कितनी बार i हुआ, 2 टाइम्स। तो यहाँ पे i² आएगा, यानी किया क्या, ये जो कॉन्स्टेंट है यानी आई का कोफिशियंट है वो दोनों को मल्टीप्लाई किया एंड उसके साथ आई का जो मल्टीप्लाई होगा उसको भी यहाँ पे लिख दिया तो हमें ये वाला टर्म मिलेगा। अब यहाँ से 5 ऊपर है एंड 5 डिवाइड में है, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमें मिलेगा -3। एंड आप सभी को पता है कि i² की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ से हमें मिलेगा -3 इंटू -1 एंड -3 इंटू -1 होगा 3 एंड 3 को आपको a+ib के फॉर्म में लिखना है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि 3+0 टाइम्स i। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर i^9 + i^19 इन द फॉर्म ऑफ a+ib। यहाँ पर आपको i की पावर के फॉर्म में दिया गया है। तो इसके आगे वाले लेक्चर में हमने देखा था कि पावर ऑफ i कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे सिंपल से आपको i की 9 पावर की वैल्यू लिखनी है एंड यहाँ पर i की 19 पावर की वैल्यू लिखनी है। उसके बाद जो भी नंबर आएगा वो दोनों नंबर को आप ऐड कर दोगे तो वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, i^9 + i^19। तो i^4 को आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि i^4 / 2 × i, यानी आपको i की पावर दिया गया है एंड वो 4 से ज्यादा है तो सबसे पहले आपको उसको i^4 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें पता है कि i^4 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा एंड उसकी कितनी भी पावर होगी उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जिसमें i की पावर 4 से ज्यादा है तो आपको सिंपल से उसको पहले i^4 में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे i^9 है, उसके लिए हम लिख सकते हैं कि i^8 × i एंड i^8 की वैल्यू कितनी होगी, i^4 और उसका भी 2 पावर।
तो हमें यहाँ से इतना मिलेगा। सेम वही प्रकार से यहाँ पर आई रेस टू 19 है, उसको आप आई रेस टू 4 में कन्वर्ट करो तो क्या आएगा, आई रेस टू 4 की 4 पावर, यानी यहाँ पे कितना आ गया, आई रेस टू 16 आ गया। अब कितनी पावर बची, 3 पावर, क्योंकि हमें दी कितनी गई थी 19 एंड उसमें से 16 यहाँ पर आ गई, तो जो बाकी 3 पावर बची उसको मैंने मल्टीप्लिकेशन में लिखा है। तो यहाँ से आपको ये वाला फॉर्म मिलेगा। अब यहाँ से सिंपल से आई रेस टू 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1, एंड यहाँ पर भी आई रेस टू 4 की वैल्यू होती है 1, तो दोनों जगह पर 1 पुट कर दो तो आपको मिलेगा 1 स्क्वेयर इनटू आई प्लस आई रेस टू 4 की 4 यानी 1 की 4 पावर इनटू आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, आई स्क्वेयर इनटू आई जितनी, एंड आई स्क्वेयर की वैल्यू होती है -1 एंड आई एज इट इज, तो आई क्यूब की वैल्यू होगी -i। तो इसके ऊपर से आप ये फॉर्म आसानी से लिख सकते हो। अब सिंपल से यहाँ पे कितना आएगा i एंड यहाँ पे आएगा -i, तो i -i इज इक्वल टू क्या होगा, 0, एंड 0 को अगर आपको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है तो यहाँ से हमें मिलेगा 0 प्लस 0 i, यानी ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी वैल्यू होगी 0 प्लस 0 i। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर 3 इंटू 7 प्लस i 7 प्लस i टाइम्स 7 प्लस i 7 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस ib। यानी यहाँ पर आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ रिलेशन दिया गया है, यानी ये दो का मल्टीप्लिकेशन है, उसके बाद ये दो का मल्टीप्लिकेशन है, एंड वो दो का जो सम आएगा उसको आपको सोल्व करना है, एंड उसकी वैल्यू आपको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखनी है। तो अब हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमें दिया गया है 3 इंटू 7 प्लस आई 7 प्लस आई टाइम्स 7 प्लस आई 7, यहाँ पर हमें दिया गया है 3 टाइम्स 7 प्लस आई 7 प्लस आई टाइम्स 7 प्लस आई 7। अब सिंपल से आप 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा 21 प्लस आई टाइम्स 21, यानी 3 इंटू 7 कितना होगा, 21, वैसे 3 इंटू 7 इंटू आई यानी आई टाइम्स 21 आपको मिलेगा। वैसे यहाँ पर कितना है, आई इंटू 7 आएगा एंड दूसरा टर्म आएगा आई स्क्वेयर इंटू 7, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है। उसके बाद आई स्क्वेयर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो यहाँ पे कितना होगा, ये -7 होगा एंड यहाँ पे तो बाकी एज इट इज आएगा। एंड उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो कांस्टेंट यानी i के अलावा वाला पार्ट है वो 21 है एंड यहाँ से आपको मिलेगा -7, तो वो दोनों को मर्ज कर दो तो आपको मिलेगा 21 -7 एंड ये दोनों में i है उसको आप मर्ज कर दो तो आपको मिलेगा i टाइम्स 21 प्लस 7 एंड यहाँ पर 21 माइनस 7 मिलेगा 14 एंड यहाँ पर 21 प्लस 7 मिलेगा 28, तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिला 14 प्लस i टाइम्स 28 जो a प्लस ib के फॉर्म में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 माइनस आई रेस टू 4 इन द फॉर्म a प्लस आई बी। यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर यानी 1 प्लस आई की 4 पावर किस प्रकार से फाइंड करना है उसके रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अगर आपने बाइनोमियल थ्योरम का चैप्टर पढ़ा है तो उसमें हम एक फॉर्मूला देखते हैं कि अगर x प्लस वाई की n पावर है तो आप बाइनोमियल थ्योरम की मदद से उसको आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने वो थ्योरम नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं है, हम और एक मेथड से इसको सोल्व करेंगे। तो
हमें दिया गया है 1 माइनस आई की 4 पावर। तो सिंपल से क्या करना है, पहले 1 माइनस आई का स्क्वायर फाइंड कर दो एंड उसकी 2 पावर कर दो, तो हमें मिलेगा 1 माइनस आई की 4 पावर। तो सिंपल से हम पहले 1 माइनस आई का स्क्वायर फाइंड करते हैं, तो उसकी वैल्यू हमें मिलेगी 1 माइनस 2i प्लस आई स्क्वायर और उसकी 2 पावर एज इट इज। यहाँ से i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस 1 एंड यहाँ पर प्लस 1 है, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा माइनस 2i का स्क्वायर एंड उसके ऊपर से आपको मिलेगा 4 टाइम्स i स्क्वायर, क्योंकि माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 का स्क्वायर होगा 4 एंड i का स्क्वायर होगा i स्क्वायर, तो आपको मिलेगा 4 टाइम i स्क्वायर एंड i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है माइनस 1, तो आपको मिलेगा माइनस 4 यानी 1 माइनस i रेस टू 4 की वैल्यू होती है माइनस 4 एंड उसको आप a प्लस ib के फॉर्म में लिखो तो आपको मिलेगा माइनस 4 प्लस 0 टाइम i। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 माइनस 3i। यहाँ पर आपको 4 माइनस 3i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, यानी आपको 4 माइनस 3i के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि जिससे 4 माइनस 3i इंटू वो नंबर इज इक्वल टू 1 आए, यानी आपको 1 अपॉन 4 माइनस 3i की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कंसीडर 1 अपॉन 4 माइनस 3i, तो आपने लोअर स्टैंडर्ड में देखा होगा इसको हम रेशनलाइज करते थे कि यहाँ पे जो नंबर है उसका कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे, तो यहाँ पर भी वही प्रोसेस करना है। तो 1 अपॉन 4 माइनस 3i है, तो यहाँ पे बीच में माइनस है, तो यहाँ पे प्लस साइन लगाकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो हमें मिलेगा 1 अपॉन 4 माइनस 3i इंटू 4 प्लस 3i डिवाइड बाई 4 प्लस 3i। यहाँ पर नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो उसकी वैल्यू आएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 4 की जगह पे क्या आएगा 4 स्क्वायर माइनस 3i का होल स्क्वायर एंड ऊपर क्या आएगा 1 इंटू 4 प्लस 3i एंड यहाँ पर कितना है i स्क्वायर, तो i स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस 1, तो यहाँ पे बीच वाली साइन प्लस हो जाएगी, यानी 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर की वैल्यू होती है 16 प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो 16 प्लस 9 करोगे तो आपको मिलेगा 25, यानी 4 डिवाइड बाय 25 प्लस 3 डिवाइड बाय 25 टाइम्स i, तो आपको ये 4 माइनस 3i का इनवर्स मिला 4 डिवाइड बाय 25 प्लस 3 डिवाइड बाय 25 इनटू i। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस एक्सप्रेशन 3 प्लस i टाइम्स रूट 5 इनटू 3 माइनस i टाइम्स रूट 5 डिवाइड बाय रूट 3 प्लस रूट 2i माइनस रूट 3 माइनस रूट 2i इन द फॉर्म ऑफ a प्लस ib। यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना है एंड डिनोमिनेटर में सब्सट्रैक्शन करना है, उसके बाद ये दोनों का डिवाइड करना है, यानी ये एक ही क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लीकेशन सब्सट्रैक्शन डिवाइड ये तीनों प्रोसेस आ जाएगी। तो अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया तो आप मल्टीप्लीकेशन डिवाइड सब्सट्रैक्शन वो टाइप के क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर पाओगे। तो अब हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन में किस प्रकार से सोल्व करना है। गिवन, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये एक्सप्रेशन दिया गया है, तो ऊपर आप देखो तो यहाँ पर क्या है a प्लस आई बी एंड यहाँ पर है a माइनस आई बी, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की वैल्यू होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जितनी,
तो उसके ऊपर से हमें ऊपर मिलेगा 3 का स्क्वायर माइनस आई टाइम्स रूट 5 का स्क्वायर, एंड डिवाइड में आपको क्या मिलेगा, ये ब्रैकेट एज इट इज एंड यहाँ पर माइनस साइन है, एंड ये ब्रैकेट को ओपन करोगे तो आपको मिलेगा माइनस रूट 3 प्लस रूट 2 आई। तो ये आप आसानी से लिख सकते हो। उसके बाद क्या करना है, ऊपर यहाँ पर आई स्क्वेयर है तो आई स्क्वेयर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो यहाँ पे ये जो साइन है वो चेंज हो जाएगी तो वहां पर प्लस की साइन आएगी, एंड यहाँ पे 3 स्क्वेयर है तो 3 स्क्वेयर की जगह पे क्या आएगा, 9, एंड यहाँ पे √5 का स्क्वेयर है उसकी जगह पे आएगा √5 का स्क्वेयर यानी 5। तो ऊपर इस प्रकार से सॉल्यूशन होगा। अब हम देखते हैं कि डिवाइड में किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे √3 प्लस में है एंड यहाँ पर √3 माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आपको मिलेगा √2i प्लस √2i यानी ये 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2 टाइम्स √2i। तो ये टॉपिक कैसे आया वो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमें नीचे कमेंट करके या फिर हमारी मेल आईडी पे मेल करके आप पूछ सकते हो। मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर अब ऊपर कितना है, 9 प्लस 5, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 14। अब यहाँ पर हमें डिवाइड में आई आ रहा है एंड उसके साथ साथ हमें इरेशनल नंबर यानी √2 भी डिवाइड में है, तो हम ऊपर नीचे दोनों साइड √2i से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें ऊपर मिलेगा 14 टाइम्स √2i डिवाइड बाई यहाँ पर i इंटू आई है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी -1 क्योंकि i स्क्वेयर आएगा, एंड यहाँ पर 1 टाइम 2 है एंड दूसरी बार √2 इंटू √2 है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2, यानी ये पूरा मिलकर 2 बनाएगा एंड ये एक 2 है तो 2 इंटू 2 कितना होता है, 4। तो डिवाइड में आपको मिलेगा -4 एंड ऊपर 14 टाइम्स √2i। एंड अगर आपको इसको a+ib के फॉर्म में लिखना है तो आप 0+a पूरा लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी तरह मेरे साथ मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि अपने दोस्तों भी हमारी तरह मैथ्स पढ़ सके, इन मैथ्स को एंजॉय करते करते।